अमेरिकी लेखक पॉल बीटी को उनके उपन्यास द सेल आउट के लिए अंग्रेजी साहित्य के सबसे बड़े सम्मान यानी मैन बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इसके साथ ही पॉल पहले अमेरिकी लेखक बन गए हैं जिन्हें यह सम्मान मिला है। साहित्यिक पुरस्कार के तहत पॉल को 50,000 पाउंड की राशि दी गई। द सेल आउट उपन्यास में एक अफ्रीकी अमेरिकी व्यक्ति की कहानी बयां की गई है। इस उपन्यास में जातिगत समानता के मुद्दे को व्यंगात्मक तरीके से परोसा गया है। जूरी की माने तो किताब में जिस ढंग से लॉस एंजलिस का चित्रण किया गया है वो वाकई हैरान करने वाला और मजेदार है। उपन्यास के जरिए पॉल ने बेहद ईमानदार और भोले हीरो के जरिए भ्रष्ट दुनिया के प्रति अपना नजरिया रखा है। इस पुरस्कार के लिए जिन लेखकों को छांटा गया था उनमें 2 ब्रितानी, 2 अमेरिकी, 1 कनाडाई और 1 ब्रितानी कनाडाई लेखक शामिल थे। लेकिन पॉल की द सेल आउट ने मेडेलिन थीन के डू नॉट से वी हैव नथिंग समेत 5 उपन्यासों को पछाड़कर ये पुरस्कार अपने नाम किया। अंग्रेजी साहित्य के सबसे बड़े सम्मान मैन बुकर पुरस्कार की शुरुआत साल 1969 में हुई थी, जिसमें अब तक कई महान लेखकों को सम्मानित किया जा चुका है और अब इस सम्मान में अमेरिकी लेखक पॉल बीटी का नाम भी जुड़ गया है। देखते रहिए डीबी लाइव।